आपके शौहर यानी इनफिडेलिटी की तरफ क्यों जाते हैं, इसके अंदर एक और रीज़न ये भी आप देखें कि मैं अगर एवरेज सर्वे करूँ ना, मेरे काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई व्हाट इज़ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ फैपिंग ना, यानी एक वीकली आप कितने कितनी दफ़ा मैस्टरबेट कर लेते हैं, यानी ट्वाइस अ वीक तो उनका डन होता है, ठीक है, यंगस्टर्स का यस। और वो ये कहते हैं कि देखें बात ये है कि हम एक जो पर्स एक सेशन होता है, एक एवरेज सेशन जो उनका होता है वो एक घंटे का होता है, 5 मिनट की एक वीडियो है। अब उस 5 मिनट की वीडियो, एक घंटे का सेशन, इट डज मीन कि वीकली वो यानी एक दिन वो 12 मुख्तलिफ औरतों को देख रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ी रीज़न है। मंथली दैट इज 96, ईयरली दैट इज मोर देन 1000। आप ये देखें कि मैं एक साल में 1000 औरत देख रहा हूँ न्यूड, ठीक है, एंड हैविंग इंटीमेट सीन्स इन दैट। और मुझे बताएं फिर मैं अपने यानी जो मॉडेस्टी को किस तरह मैं ले सकता हूं, मॉडेस्टी भी गई, औरत के बारे में इमेज भी गया, इमेज भी आपका, यू विल कंसीडर वुमन अ फ्लैश पीस ऑफ फ्लैश, यानी आपकी जो बीवी है आपकी, ये हमें हमारे बच्चों को यंगस्टर्स को समझना चाहिए, आपकी बीवी शी विल नॉट बी एन एंजल। उसने सुबह उठना, उसको सुबह उठते हुए भी देखेंगे, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसने किचन में काम भी करना है, उसने सब कुछ करना है। आप जो पॉर्न एक्ट्रेस देख रहे हैं, उसने तो 4 घंटे मेकअप पे लगाए हुए हैं, और उस 4 घंटे के बाद भी उसने 2 घंटे का शॉट किया, एंड शी इज हेटिंग हर लाइफ। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ऐसा भी केस आया, चूंकि आज प्रोग्राम हम खुल के इंशाल्लाह जो है ना फैमिली अंडर अटैक है आपकी, yes, हम जरा डराना भी चाहते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। ऐसे केस भी आए अली भाई कि फीमेल टीचर ने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने बहुत अच्छी नीयत से एक लड़के को पढ़ाना शुरू किया, बच्चे को, हालांकि फीमेल टीचर की उम्र 40+ है, बच्चे की उम्र 12-13 साल होगी, और वो ऐसी हरकतें उनके साथ करे, क्लोज होने की कोशिश करे, शी बिकेम अनकम्फर्टेबल इन द बिगिनिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, वो बेटा समझती थी, हाथ रखती थी सर पे, ये वो, बट स्लोली एंड स्टेडिली शी रियलाइज के काम बिगड़, एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार 12-13 साल के जब हम थे हमें तो सेंस भी नहीं थी ये चीज़ होती क्या, और आज ही इज ट्राइंग टू अप्रोच द फीमेल टीचर। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कितना गंदा कंटेंट इंटरनेट पे पड़ा है, exactly. और फेसबुक पे एड्स आ रहे होते हैं, मुझे यूथ ने खुद दिखाए गंदे कॉमिक्स के, पता नहीं क्या क्या चीज इन्होंने कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई है, एज इफ रियली शैतान रूल कर रहा है वर्ल्ड को करंटली, कि उसने वो गंदी स्टोरियां ग्लैमराइज करके यूथ को दिखाई, अब क्या रह गया पीछे। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जज़ाकअल्लाह।